जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जो कर्म करते हैं उनके हाथ या तो हार लगती है या तो जीत, लेकिन जो कर्म नहीं करते हैं उनके हाथ केवल हार ही लगती है। जिंदगी में कर्म करते रहना ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, और फिर फल की इच्छा करना ये भी कहाँ तक सही है ये आप डिसाइड करिए, क्योंकि अगर फल के बारे पीछे भागते रहेंगे तो आप अपना कर्म करना भूल जाएंगे। तो कर्म करते रहिए और फल की इच्छा ना रखिए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आशा। नमस्ते डॉक्टर साहब। हमने पिछले एपिसोड में टेक्निक्स के बारे में जाना कि किस तरह से मेडिटेशन हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में मदद करता है, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे कि प्रैक्टिकली हमारी लाइफ को छूता है, क्योंकि जिस आखिर इन द एंड एवरीथिंग कम्स टू प्रैक्टिकलिटी। अगर प्रैक्टिकली अगर हम उसको कर पाएंगे तो हमारी जिंदगी में बेहतर अनुभव होगा। पिछले एपिसोड्स में हमने काफी थियोरी को मैंने बताया जी। अब अगर सचमुच करना है, नहीं हमारे दर्शक भी जो सचमुच करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि इतना समय आज ये जो है करीब 20 मिनट का टाइम हमको दे जी। और बस इस चीज को सारा फॉलो करे जी। मैं जो बता रहा हूँ बड़ा सरल सा तरीका है, हो सकता है कि जैसे आगे बढ़े तो वो टेक्निक भी चेंज हो सकती है। जो पहले भी हमने चर्चा की है, रिलैक्स होकर के बैठिए, कमर को सीधी रखे, पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखे, हाथों को ऐसे मोड़ ले, कंधे भी ढीले कर देने हैं। पिछली बार भी मैंने बताया था कि बल राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, परंतु जो नए नए साधक है, मेरे अनुभव में, सभी शायद मेरे से सहमत ना हो, परंतु एक मास भल आंखें बंद करके अभ्यास करे और जब प्रैक्टिस हो जाए फिर नेचुरली आंखें खुली रखने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो शरीर की पोजीशन प्रॉपरली, फिर मन को भी तैयार करना है okay. कि भी ये टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। है ना, ये 15-20 मिनट का टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे एज अ प्रायोरिटी देकर चले। या तो ये टाइम भी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, अच्छा पास्ट भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है, कुछ काम नहीं है जी, है ना, कुछ भी मेरे लिए अभी नहीं है जी। जो कुछ भी है उसके बाद होगा और मैं उसको न्याय दे पाऊंगा। समझो कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी आपके जीवन में हैं, लेकिन इतने समय में कुछ खत्म नहीं हो जाने वाला है ना, मुझे फांसी की सजा नहीं होने वाली जी, है बिल्कुल। तो बस ये मुझे 15-20 मिनट कुछ नहीं सोचना है जी। और सबसे अच्छा तो यह है कि जो मैं स्वयं भी करता हूँ कि घड़ी की ओर नहीं देखना है। रियली हैव अ सफिशिएंट टाइम, शायद आधा घंटा भी हो जाए, लेट इट बी। और फिर भी कहीं समझे कि डॉक्टर साहब हम लोगों तो गाड़ी पकड़नी होती बंबई में, है ना, तो बल ये करो आप कि एक टाइम सोच लो भाई 20 मिनट का, ऐसे अलार्म लगा दो ताकि तब तक आपको नहीं सोचना है कि 20 मिनट हुई या नहीं हुई, नहीं तो है ना मन उसी में रहता है कि 10 मिनट तो नहीं हुई, 15 मिनट तो नहीं हुई। हाँ, तो आपने अलार्म लगा दिया, 20 मिनट जब होगी तब वो सिग्नल देगा, तब तक मुझे पूरा इसी में खो जाना है ना, एक मेंटल स्टेट बनानी है। फिर जो हमने देखा कि भी फर्स्ट स्टेप है चैनलाइज, है ना, कि भी मन को मोड़ना है। अभी मन को मोड़ने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है, एक तो सिंपल सा भी जो कराते हो थोड़ा काम कर सकता है, कि एक गहरा सांस ले, को पूरा समझे हम रिलैक्स हो रहे हैं, दिस इज सिंपलेस्ट थिंग। इससे अच्छी चीज है कि अपने मन में ही चलने वाले विचारों को देखो, अच्छा। कि मेरे अंदर मन में क्या चल रहा है। जैसे आप देखेंगे कि अंदर में क्या चल रहा है, विचारों की गति थोड़ी शांत हो जाएगी। या दूसरा ये कर सकते हैं कि सांस के ही
दो तीन नॉर्मल सांस ले, सांस की गति को देखे, सांस ले रहे सांस बाहर आ रहा है, सांस ले रहे सांस बाहर आ रहा है, तो भी विचारों की गति थोड़ी शांत होगी। अब आप मन को इजीली मोड़ सकते हैं okay. और जब अभी मोड़ा तो जो स्टेप्स है फिर से भी मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं। पहला है आत्मचिंतन और आत्मा के गुणों का अनुभव जी। दूसरा है परमात्म चिंतन और परमात्मा से शक्तियों का अनुभव जी, है ना। तीसरा है कि ये जो प्राप्तियां हुई उसे स्व परिवर्तन में उपयोग करना। ये भी मैं बिगिनर्स के लिए कह रहा हूं। एक आध मास के बाद ये भी हो सकता है कि जो अनुभव हुआ वो सारे विश्व में फैलाना है, औरों को भी उससे लाभ देना है। करेक्ट। कि हमारे बच्चों को और कोई दुखी है, कोई बीमार है, वह अनुभूति वहां तक भी वह वाइब्रेशन पहुंच सकते हैं। लेकिन पहला एक मास ये डिसाइड करो ये जो अनुभूति होगी वो मुझे प्रैक्टिकल जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यूज करना है। हाँ, मन शांत हुआ फिर जो फर्स्ट है कि आत्मचिंतन। तो अलग अलग रूप से राजयोग कोई प्रेयर नहीं है, अच्छा। है ना, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई श्लोक नहीं है जी। कि एक ही प्रकार की बात नहीं है। कई बार हम ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखकर हमको लगता है एक ही है, वो एक नहीं है, वो वैरायटीज ऑफ वे में आप ले सकते हैं। सिर्फ उसका एसेंस यह है कि मैं आत्मा हूं, मैं वो दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हूं और जो आत्मा शांत स्वरूप है ओके। आत्मा में ही सब कुछ समाया हुआ है ना। उस सारी बात को अलग अलग रूप से पक्का करना है और उसमें चिंतन भी आएगा और चित्र भी निर्माण करना, और तीसरा जो डिविनाइज कि उसमें दिव्यता को भी फीलिंग को भी ऐड करना है ओके। और जैसे ही वह स्थिति आएगी आप आत्मा के गुणों को अनुभव करने लगेंगे, फिर उसको और डीप भर ले जाए, उसको हम रीअफर्म करें जी। जो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि परमात्मा चिंतन और परमात्मा की शक्तियों का अनुभव ओके। यानी एक बार वह स्थिति बनी तो ऑटोमेटिक फिर मन परमात्मा पे लग सकेगा, फिर उनके स्वरूप का चिंतन, उनके गुणों का, उनकी शक्तियों का, कैसे परमात्मा से वह शक्तियां मिल रही है जी। उसका चिंतन भी है और हम चित्र भी निर्माण करेंगे जी। और जैसे कहा, पर कई बार ऐसा होता है कि मैंने ये देखा है ज्यादातर कि जब हम ऐसा कुछ सोच में जाते हैं, अगर पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो कई बार पुरानी बातें हमें बार बार मन में आती रहती हैं। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, उसे उस ट्रैफिक जाम को रोके कैसे? नहीं तभी तो सिंपल तो बेन ये करना है शुरुआत में, ये सब मैं बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ कि एक तो आ रहा है तो पहले तो ये समझ लो सबको आता है ओके। ये नहीं कि भी मैं खराब हूँ, मेरा मन यहाँ वहां भटक रहा है, सबका भटकता है ठीक है ना, तो उसको बुरा नहीं समझो। दूसरा जो आ रहा है वो अच्छा भी है, एक्चुअली अंदर में ना कहीं घाटे है okay. जो हमारी इमोशनल एक्सपीरियंसेस की वो कहीं ना कहीं खुल रही है ओके। तो इट इज नॉट बैड, सिर्फ है। इतना है कि उसमें ही नहीं चले जाओ कि यहां मैं सोच रहा हूं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझे घर जाके खाना बनाना है, क्या बनाऊंगी, लोग प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें डिटेल में नहीं जाना है। Just, no, वो soon, अलग ही कमेंट्री बजने मतलब नहीं, हाँ, लेकिन as soon as possible you just end that to do it in a natural way okay. थोड़ा गया तो कोई बात नहीं, खाली मैं सजग हूँ, वो जो मैंने बाबा टेक्निक बताया था ना वो भी कर सकते, बाबा वापस मेसी में आ गया, डोंट वरी, डोंट फील गिल्टी, नहीं अपने आप को भी बुरा नहीं समझो कि क्यों हो रहा है, बस मैं वापस लाया थोड़े एक रीएफर्म के साथ कि अब इसी में खो जाना, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने इसके लिए टाइम दिया जी। तो फिर ऑटोमेटिक, और फिर भी गया कोई बात नहीं। एक्चुअली जब आप मेडिटेशन करते हैं तब क्या होता है वह इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली जब वो आपका मेडिटेशन पूरा हो जाता है, पूरा आपको अच्छे से बताता हूं कि 20-25 मिनट का मेडिटेशन पूरा हो गया, फिर आपकी स्थिति क्या बनती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ओके। हाँ, वो अगर आप प्रॉपरली की तो, और अच्छा लगा तो भी नहीं, बहुत अच्छा लगा। अब ये भी गलत है कि भी मैं कर रहा हूं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, वाह क्या शांति लग रही है, वंडरफुल, क्या अच्छा ध्यान लगा, ये नहीं, अच्छा ये भी नहीं, तो उसके बारे में आई एम हियर,
एक्चुअली उस चीज के बारे में आप कहना चाह रहे हैं कि उस चीज के बारे में मैं फील भी ना करूं उस वक्त कि मेरे क्या फीलिंग्स हो रही हैं। हाँ, मतलब नहीं, वो फीलिंग्स में जाना नहीं है, फीलिंग्स तो होगी, करेक्ट, अच्छी या बुरी फीलिंग्स होगी, पर उसके बारे में सोचना नहीं, एनालाइज नहीं करना है उसको, ओके, है ना, उसका विश्लेषण नहीं करो, बस मैं यहाँ पर हूँ ना, इस चीज को, आत्म अनुभूति को मुझे जितना डीप 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 है ना अंदर में ले जाना है, सबकॉन्शियस पे गया, अनकॉन्शियस में भी गया जी, और जितना होगा ऑटोमेटिक आप आत्मा के गुणों का अनुभव करेंगे, करेक्ट, जितना आप एकाग्र होंगे वो परमात्मा चिंतन में ऑटोमेटिक उसका आप अनुभव करेंगे। सिर्फ अभी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ उसको सरल करने के लिए कि डिफरेंट वे में आत्मचिंतन कैसे करें। मैं दो एक तरीके बताता हूँ, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आगे भी हम चर्चा करेंगे। एक तो सरल सा तरीका यह हो सकता है कि मैं मन को बाह्य विचारों से समेट करके स्व के अस्तित्व की ओर ला रहा हूं, फिर कि मैं मस्तिष्क के मध्य में एक जगमगाती ज्योत हूं, यह शरीर केवल साधन मात्र है, आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, हाथों द्वारा लिखने वाली, परंतु सब कर्मेंद्रियों से परे मैं दिव्य आत्मा हूं। जैसे ना एक बात हुई, एक जैसे एक दिस इज नो वन एसेंस, तो वो एसेंस को आपने सोचा, फिर चित्र भी निर्माण करो कि आई एम दैट स्पिरिचुअल, आई एम अ ग्लो ऑफ लाइट हियर, आंख नहीं देख रही है परंतु वहां जाता है, ब्रेन में जाकर के आत्मा को पहुंचता है तब दिखता है, कान नहीं सुन रहे, जाता है नर्व्स में, वहां जाए जब परसीव करते है तब सुनते है, हाथ नहीं लिख रहे, आत्मा ऑर्डर देती है तब, मतलब वो भाव लाना है, ओके, ना बोलना नहीं है जी, ये चीज है ना, तो वो पिक्चर भी निर्माण के नहीं, वो भाव लाना है और फिर उसको डिविनाइज करना है। Okay. अब इसमें क्या होती थी, कितना वंडरफुल कि आज तक मैं अपने आप को ये जो आईने में देखता था वही समझता था, एक्चुअली आई एम दैट स्पिरिचुअल बीइंग, ये भी भाव है, सोच नहीं है, ये पूरा कोई विचार नहीं है, परंतु वो डिविनाइज अंदर आना। अभी दूसरा एक तरीका मैं आमतौर पर अपनाता हूं कि ये जीवन जो लंबी सीरियल है उसमें बस मैं एक्टर हूं, मुझे इस एपिसोड में यह पार्ट आज का मिला है, बस आई एम डूइंग इन अ बेस्ट पॉसिबल वे विद टोटल डिटैचमेंट, कि ये तो सिर्फ बस सीरियल का पार्ट है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो इससे बिल्कुल न्यारी आत्मा हूं, है ना, वो भाव लाना है, अभी भी यहां भी सोचना नहीं है, वो भाव आना चाहिए, जैसे कहा भी था ना कि शाहरुख खान गरीब व्यक्ति का पार्ट बजाता है परंतु उसे बिल्कुल पता है कि आई एम सुपरस्टार, तो ऐसे ही कि मुझे आज जो सीरियल का जो भी पार्ट मिला है, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ प्रॉब्लम्स है वो आपको सुलझाने आज के दिन, बट दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माय सीरियल, आई एम सुपरस्टार, मैं वो स्पिरिचुअल बीइंग, वो भाव लाने का, बोलना नहीं है, वो एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप करनी है और फिर उसमें डिविनिटी भी लानी। और एक अच्छा सा तरीका है कि मुझ आत्मा ने इस जन्म में इस शरीर के साथ पार्ट बजाया है, जैसे मैं ये सोचूं कि एक डॉक्टर के रूप में इस जन्म में मैंने पार्ट बजाया है, हो सकता है कि इससे पहले जन्म में, है ना, मैं फ्रीडम फाइटर था, हो सकता है कि उसके पहले जन्म में मैं किसान था जी, ना वो मेरा पार्ट बदलता गया, कभी मैंने किसान का रोल किया, कभी फ्रीडम फाइटर का रोल किया, अभी इस जन्म में डॉक्टर का रोल कर रहा हूँ, वो भी भाव लाना है। डॉक्टर साहब देखिए, अभी आज पूरे दिन में हम रोल में प्ले कर रहे होते हैं, अनायका का रोल मैं प्ले कर रही हूँ, आप जैसे कहा है, आपके ही शब्दों में अगर कहें तो लेकिन इससे हम लोग इतने ज्यादा अटैच हो चुके हैं कि अभी इससे डिटैच होना मुश्किल लग रहा है। डिटैच होकर के अगर हम अपने आप को सोल समझे, ये किस हद तक हमारे लिए पॉसिबल है, ये आप हमें बताइए। नहीं, वेरी गुड,
ये तो है ना, मेडिटेशन से पहले ही प्रैक्टिस करनी है। ओके। कि जब सारा दिन हम मेडिटेशन नहीं करते, समझो 25 मिनट अपने दिन में दो बार किया, दूसरे समय पे राजयोग एक जीवन शैली है। ओके। आपको सारा पल पल यही आए, जैसे सवेरे उठे तब से ही कि आज नया एपिसोड शुरू हुआ, करेक्ट है ना, आई एम गोइंग टू एक्ट इन अ बेस्ट वे। सिर्फ इतना ही है कि वो एक्टर को ना स्क्रिप्ट मिली होती है कि भी ये तुमको करना है। मेरा ये डिफरेंट है कि मुझे मालूम नहीं है कि क्या होगा, अभी एक घंटे के बाद क्या होगा हमें मालूम नहीं है, करेक्ट, बट दैट इज ओनली अ प्ले, और जो आएगा वो तो मैं करने ही वाला हूँ नेचुरली, करेक्ट, बिकॉज फॉर मी इट इज रियल। कहते हैं रील और रियल में फर्क है, फर्क। तो मेरे लिए तो रियल ही है, तो मैं करूंगा ही, लेकिन मेरी अवेयरनेस वो है कि आई एम जस्ट एन एक्टर डूइंग इट। मैं आत्मा हूं, मैं वह स्पिरिचुअल बीइंग हूं जो कर रही हूं। जिस एक्टर्स का नाम दिया ना मैंने अलग अलग, जी, कि एक्टर की याद है कि आई एम सो एंड सो, आई एम जस्ट डूइंग दिस रोल, है ना। तो वो सारा दिन करना है, तब जब आप योग के लिए बैठेंगे तो सहज होगा। ओके, मतलब मैं पूरे दिन अगर उस चीज के कॉन्शियसनेस में रहूं साइड बाय साइड, तो जब मैं बैठ करके मेडिटेशन करूंगी तो वो ज्यादा अच्छी तरह से होगा। हाँ, इजी होगा, परफेक्ट परफेक्ट। और वो प्रेशर नहीं देने, एक नेचुरल वे में हमें वो सारी लाइफस्टाइल को वैसा बनाना है जी। और फिर एक और एक तरीका कि जिससे आए कि मुझ आत्मा में अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जैसे ना एक पेन ड्राइव होती है, आजकल तो समझाना बहुत इजी है, करेक्ट, हाँ, कि भाई 16 GB की पेन ड्राइव, उसमें सब कुछ है आपका डाटा, करेक्ट। तो ऐसे ही आत्मा एकदम सूक्ष्म है, और उसमें ने न केवल ये जन्म का लेकिन पिछले भी अनेक जन्मों की जो बातें है ना वो उसमें समाई हुई है। नो, एंड आई एम कैरिंग देम एंड जस्ट प्लेइंग माय रोल। हाउ वंडरफुल इट इज, ये भी आना चाहिए कि देखो छोटी सी में कितना वंडर है। पर इससे कभी हैवीनेस फील नहीं होता है, क्योंकि देखिए हम इतने सारे जन्मों का हिसाब किताब एक साथ लेके चल रहे हैं, तो कई बार हम किसी कोई रीजन नहीं होता मगर डिप्रेस्ड होते हैं। तो ये सिचुएशंस क्या पिछले जन्म के भारीपन की वजह से होता है या इसी जन्म का कोई ना कोई प्रॉब्लम है? पिछले का भी हो सकता है कि कुछ मेमोरी आपकी आ रही है, वो सरफेस में आने की कोशिश कर रही है, एक्चुअली आई नहीं, लेकिन आने की कोशिश कर रही है, वो आपको भारीपन दिला जाता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ जो चिंतन की मैं बात कर रहा हूँ वो तो ऐसे है कि मैं स्वयं भी ये करता, कितना अच्छा कि इट्स अ स्मॉल थिंग कैरिंग एवरीथिंग, नो, इफ आई कैन डेवलप दैट अवेयरनेस, उसको अगर मैंने ठीक कर दिया तो सब कुछ ठीक हो गया, करेक्ट, है ना। ऐसे थोड़ा थियरी में हम नहीं जाते, तो ये अलग अलग रूप से इस भाव को लाना है। दूसरा ये भी कि मैं आत्मा ही ये सारे शरीर को कंट्रोल करने वाली, अच्छा, आंखों को, कान को, मुख को, है ना, मैं ऑर्डर देके कंट्रोल करती हूँ। वैसे नहीं, मैंने बोल लिया, आई एम दैट पावरफुल, वॉट एवर आई वॉन्ट आई विल स्पीक। वो डिटैचमेंट से आएगा, सचमुच आप करके देखो। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है, वो होता है दिल और दिमाग दोनों के बीच का कंफ्यूजन। हाँ हाँ, क्योंकि मेडिटेशन करने में बैठी हूँ, या तो मेरा दिमाग कुछ सोच रहा होता है या मैं इमोशनली पेन में होती हूँ हार्ट की वजह से। तो इस सिचुएशन में ये दोनों को भूलना कि ब्रेन क्या कर रहा है और हार्ट क्या कर रहा है, और मैं खुद के बारे में सोचूं, मेडिटेशन के बारे में सोचूं और आत्मा समझूं, ये किस हद तक पॉसिबल है? नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है ना। हाँ जी, कि भी आपके जीवन के पेन है जी, कि भी जो अभी आपको याद आ रहे हैं कि कोई फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, आपको याद आ रहा है जी, है ना, बट नाउ यू आर मेडिटेटिंग। इसीलिए बोला कि भी शुरू में वो एक स्टेट ऑफ माइंड बनाए कि दिस 20-25 मिनट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई हैव नथिंग, पीछे भी नहीं है आगे भी नहीं है, बस यही रियलिटी है जी, और इसी में मुझे मैक्सिमम गेन करना है जी। और तब ये विस्डम तो है ही है कि मैं आत्मा बोलती हूँ तभी निकलता है, बल दिल और दिमाग जो भी कर रहा है करने दो, बट अल्टीमेटली दैट ठीक है। तो उन दोनों को हम साइड में रख देंगे, करें, और फिर भी नेक्स्ट स्टेप ये है, ऐसे भी
यहां तक भी लाए कि न केवल शरीर की कर्मे इंद्रिया, परंतु मैं आत्मा मन बुद्धि और संस्कार की भी मालिक हूं। ये तीन आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो तीनों को भी कंट्रोल करने वाली मैं व चेतना हूं, है ना। वो भाव लाना है, ठीक है। फिर आगे भाव लाना है, और ये ऑटोमेटिक भी आता है ना। इसमें आप नहीं भी करो तो भी होगा, बट नाउ बिकॉज इट इज रियल, थोड़ा होने लगे और डीप करो तो अच्छा है जी, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि भी हम एसी रूम में आए, है ना, कि भी आप बहुत गर्मी से एसी रूम में आ गए तो अच्छा लगा, है ना। फिर और भी, अरे वाह वंडरफुल, एकदम शांति, कितना पसीना था, एकदम मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, एकदम ठंडक लग रही है। द सेम वे, जैसे ही आप डिटैच होते हैं शरीर से, तो आत्मा शांति का अनुभव करने लगती है, आनंद का अनुभव करने लगती है। लेकिन अब इसकी हम और डीप गहराई में जाते हैं, ठीक है। कि नहीं, मैं करके बताऊंगा आपको कि कैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति का अखूट खजाना मुझे आत्मा में समाया हुआ है, है ना। तभी वो भाव भी लाना, जैसे कुछ अखूट बहुत बड़ी चीज इसके अंदर है, है ना, वो भाव भी लाना। तो ऐसे आत्मचिंतन करना है, आत्मा के गुणों का अनुभव करना है, और फिर परमात्मा चिंतन करना है। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे हैं कि मुझे आत्मा समझकर फिर परमात्मा को याद करना है। अब क्या डायरेक्टली विदाउट इस कॉन्शियसनेस के कि मैं सोल हूँ, क्या मैं डायरेक्टली परमात्मा को याद नहीं कर सकती? बहुत अच्छा है ना। भले आप कर सकते हैं, लेकिन वह कनेक्शन अच्छा नहीं होगा। अच्छा। एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ओके। कि देखो कि भाई, जो लेवल का व्यक्ति, उसी लेवल के व्यक्ति को मिलता है ना। करेक्ट, करेक्ट। कि भाई वो एकदम सपोज कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो किसान को नहीं मिलेगा। करेक्ट। वहां खड़ा भी नहीं करेगा। एक बार थोड़ा सा कुछ हमको प्रॉब्लम था, तो मैं बीएमसी में गया, है ना, तो जो उसके चीफ थे उनको गया, और बहुत ही कोई एक मामूली व्यक्ति था, वाकई दिक्कत दे रहा था। मतलब सर, हम वी आर ट्रू कुछ नहीं, हम तो भी दिक्कत दे रहा है। तो उसने उसको बुलाया और पहले मुझे कहा कि देखो डॉक्टर, आप आए ना तो इसको बुला रहा हूँ, नहीं तो इसको मैं सामने खड़ा भी नहीं करता हूँ। करेक्ट, है ना। तो बिकॉज दैट लेवल बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है ना। तो ऐसे ही अगर हम शरीर मानेंगे तो वो डिफरेंस हो गया लेवल का, एंड कभी भी लिंक होगा ही। ओके। जब आत्मा आप समझेंगे तो फिर वहां आप वो लेवल पे आ गए। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं खुद एक स्टार हूँ जो मैंने अभी जाना, वैसे ही मेरा परमात्मा जो है वो भी स्टार है। तो स्टार से स्टार का कनेक्शन, जैसे शरीर से पिता जो होता है, नहीं हो सकता है। शरीर मान के स्टार का कनेक्शन नहीं हो सकता। मतलब मेरे, मैं अगर शरीर हूँ तो मेरे डैडी भी शरीर है, लेकिन मैं भगवान की बात करें तो भगवान स्टार है और मैं भी स्टार हूँ, तो शायद कनेक्शन अच्छा जुड़ जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट जी, और इजी भी होगा। हाँ जी, तो इसलिए वो फर्स्ट स्टेप में लाना है। और दूसरा भी इसका एक एडवांटेज है। अच्छा। एक तो हम इक्वल लेवल पर आए तो दैट कनेक्शन इजी होगा, और सेकेंड, जब आप आत्मचिंतन में आते तो शांत भी होते, मन फोकस्ड होता है, तब फिर परमात्मा को याद करना इजी है। मन विचलित है और फिर आप परमात्मा को याद करते तो कुछ भी नहीं लगता है, तो कुछ फोर्स मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज में आत्मचिंतन करना है, आत्मा के गुणों का अनुभव करना है, फिर परमात्मा चिंतन करना है, ठीक है। ऐसे तो ये नेचुरल है जी। लेकिन फिर भी जो नए नए साधक है ना, वह उस बात को अलग अलग रूप से एक पक्का कर सकते हैं। करेक्ट। कि जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, भले रूप में बिंदु है परंतु सर्व गुणों के सिंधु है, है ना। वो एक पॉइंट है, लेकिन उसमें सर्व सर्व शक्तियां समाई हुई है। कहते हैं ना, एटम में जबरदस्त शक्ति है। करेक्ट। यू नो, गॉड इज अ स्पिरिचुअल एटम, व्हिच हैज अ ट्रेमेंडस पावर, है ना। तो भाव लाना, ठीक है, कि परमात्मा शांति के सागर है, है ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो ऑटोमेटिक जब आप कहेंगे, आप शांति का अनुभव करने लगेंगे। फिर भले और डीप हम एक्सपीरियंस करेंगे, आहा और ज्यादा मैं एकदम डीप शांति में जा रहा हूं ना, परमात्मा में सर्व शक्तियां है ना, और मैं उनके सामने हूं, तो मुझे ऑटोमेटिक
वह सर्व शक्तियां मिल रही है, मिलेगी भी, आप एक बार सोचो नहीं भी, यानी आगे चल के आप देखना। ये जो मैं सारा बता रहा हूं ना, पहले 2-3 महीने की बात है। अच्छा। नए साधक 2-3 महीने तक जब योग करते हैं तब ये जरूरी है, उसके बाद तो आप जस्ट बैठे बस परमात्मा से मुझे शक्ति मिल रही है, क्योंकि वो भाव अंदर में है ही है, सोचना भी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस किया ना इतना, प्रैक्टिस और अवेयरनेस पक्की हो गई। हाँ जी, कि आई एम अ बीइंग ऑफ लाइट, गॉड इज आल्सो बीइंग ऑफ लाइट, करेक्ट ना। फिर अभी इसमें ये भी पॉजिटिव से भी, परमात्मा से मुझे विस्डम भी प्राप्त हो रही है। उसमें जो मैंने कहा ना डिविनाइज भी, आहा कि ये टाइम है मैं परमात्मा को मिल रहा हूँ। जैसे ना भी प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी मीटिंग हो जी, तो पहले कितना थ्रिल अनुभव करेंगे, है ना, एक्साइटमेंट। तो हाँ, तो ऐसे ही दिस इज अ मीटिंग विद गॉड एंड दैट्स वंडरफुल, ही इज इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम रिसीविंग ऑल पावर्स फ्रॉम। ये थोड़ा चिंतन भी है, उसका चित्र भी निर्माण करते, दिव्यता भी उसमें लाते हैं, और वो प्रोसेस में नेचुरली खो जाना है। okay. एकाग्रता इससे मुश्किल लगती है, परंतु करते करते आप जाएंगे ना ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस में आप खो जाएंगे। हो सकता है 5 सेकंड चले, 7 सेकंड चले, जितना भी चले, यू विल रियली फील दैट यू आर फुल ऑफ दोज थिंग्स। और जितना कर सके हमें करना है ना, डोंट लुक एट टाइम। जैसा भी कहीं कहते कि हमको मालूम नहीं 15 मिनट हो गए, अलार्म बजा तो क्या, अलार्म बज गया। हाँ, तो भी भाई जब अलार्म बजे ना, तब आप यह सोचना कि डीप हो गया बस, अभी एक लास्ट स्टेप ही बचा है। लास्ट स्टेप है कि वो अनुभव को सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करना। ओके, है ना। तो चलो अलार्म बज भी किया, तो आप 2-3 मिनट दो तीन मिनट आंखें नहीं खोलो, तब बस ये सोचो कि ये जो मुझे गहरी शांति मिली, सारा दिन मैं कायम रखूंगा, एवरीवेयर आई विल गो आई विल स्प्रेड पीस ना। जो मुझे लाइटनेस लगी, एवरीवेयर आई गो आई विल बी लाइट। मे बी मैं सबॉर्डिनेट से काम कर सकता रहा हूँ, सीनियर के साथ काम कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वर्क विद दैट लाइटनेस। आपने ना लव लव को अनुभव किया, भी परमात्मा के प्यार को अनुभव किया, कि आई हैव एक्सपीरियंस लव ऑटोमेटिकली नाउ, आई एम, मैं इसको इतना अंदर में डाल रहा हूं कि वेरीवर आई गो लोग वह बिना शर्त का प्यार अनुभव करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल। और रियली होता है, इफ यू डू फॉर सम टाइम, सचमुच आप देखते हैं कि भी वो पीस है ना, आती है, लोगों को भी दिखाई देती है। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत सारी बातें बताई, जिसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि अगर हम मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो हमारे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन भी होने लगेगी, और वो सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहेगी, वो हमारी पूरी सोसाइटी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, मेडिटेशन, जिसके बारे में हमने कई सारे तरीके आज हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है, लेकिन आज हमने एक अद्भुत मेडिटेशन को जाना, जिसमें हम अपने आप को आत्मा अर्थात एक पॉइंट ऑफ लाइट समझकर उस परमात्मा जो खुद भी पॉइंट ऑफ लाइट है उसे याद करते हैं। और अगर आप ऐसा पूरे दिन में थोड़े थोड़े समय के लिए भी करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति जग रही है, और वो शक्ति आपको पूरे के पूरे हर कार्य को सही तरीके से करने में मदद करेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को मैं एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। की राहों में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान।
राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।